किसी को कांट करने में मैं नंबर वन हूँ अभी, मैं शोर इतना कर रहा हूँ। अगर मम्मी लोग उठ गए ना तो फिर हो जाएगी प्रॉब्लम। और साथ ही साथ रात को हलवा पूरी आई थी तो वही अभी खा रहा हूँ। एंड देन अब आपको सुबह ही मिलूंगा, मुझे बहुत नींद आ रही है, बस मैं खा के अंदर पानी वानी पी के अंदर मैं सोचूंगा सुबह का। माहे रमजान यूं आ गया। ओके सो हियर आई एम। स्कूल से मैं आ गया था, मैं स्कूल की ड्रेस में सो चुका था एंड देन अब जाके मैं उठा हूँ। कुछ 4 बज रहे हैं, वो भी ट्यूशन के लिए। ट्यूशन अगर नहीं किया तो उसमें भी मेरी गलती होगी, तो यस इसलिए जाना पड़ रहा है। और अभी मुझे आँखें मेरी देख सकते हो पूरी लाल लाल हो गई है, क्योंकि मैं आराम से सो रहा था एंड अचानक से मम्मी बोल रही ट्यूशन जाना ट्यूशन में। और फिर मेरी पापा भी चलाएगी क्योंकि मैं ट्यूशन कल भी नहीं किया था, तो आज मैं जब बता पाऊँ कि ये जान कुछ किसी कर दूर लोगों को, तो उसमें भी मुझे ही फंसना होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आज उठ के चले जाता हूँ, तो उस वजह से मुझे लाइक यहाँ थोड़ा बच्चा में दर्द हो रहा है एंड थोड़ा पाँव में तो वैसे भी दर्द हो ही रहा था, तो मुझे इस तरीके से पता है। तो यस भाई आके बता दूँ कि क्या हुआ, डांट पड़ी है नहीं। सो यस भाई आ गया हूँ ट्यूशन में। आज मुझे मज़ा आया क्योंकि आज पापा ने फिजिक्स ने केमिस्ट्री का टेस्ट लिया, कल फिजिक्स का टेस्ट है। जो मुझे आज जो नोट्स काफ़ी वो आज कंप्लीट करनी तक, कल तक मेरा फिजिक्स सब कुछ हो जाए एंड देन मैं प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूँ कभी ट्यूशन जब मैं फिजिक्स का प्रैक्टिस को। और आज मार्क्स पता चले, जिसमें एज यूजल मेरे पिछले बार भी एमसीक्यूज की वजह से बहुत मार्क्स नीचे गए थे, और इस बार उसकी वजह से हुआ है क्योंकि पेपर टू में मेरे अच्छे खासा आ गए, लेकिन पेपर वन में मेरे बहुत नीचे हुए, तो उस वजह से मेरा लाइक जो ब्रीदिंग सिस्टम और जो भी था वो भी गिर जाता है। तो यस तो बस आज के लिए इतना ही कुछ है। आज घर में गैस नहीं है, उस वजह से कितना खाना बनाएंगे नहीं, तुम बना तो रही थी बना तो नहीं खाना। तो अब देखते हैं आज क्या इफ्तारी होती है और क्या होता है। आज का ब्लॉग भी कल की तरह छोटा बनेगा क्योंकि कुछ इतना नहीं है, बस थकान और है तो उसकी वजह से। बाकी बस अब 2 दिन रहते हैं, थर्सडे एंड फ्राइडे, जिसमें ऐसा ब्लॉग आएगा, वरना फिर सैटरडे संडे एंड वो ऑन अच्छा आ जाएंगे। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा, कन्फर्म नहीं बोलूँगा कि मेरे आगे ब्लॉग्स आएंगे कि नहीं, क्योंकि इसलिए मैं आया है कि फ्रीडम टू होने वाले हैं जिसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, तो ब्लॉग बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लाइक बनाना नहीं, लेकिन एडिटिंग करना है। रात को ज़्यादातर मैं पढ़ता हूँ, हाँ रात को ब्लॉग भी एडिट करना होता है, तो मैं कोशिश करूँगा फिर कैसे मिला होगा तो मैं कर लूँगा। फिर मैं छोटे क्लिप्स बना के एंड उसको कंपाइल करके एक हफ्ते का पूरा वो वीक ब्लॉग कुछ ऐसा होता है ना, वैसे बना के डालूंगा। देखते हैं आप पोस्ट एटलीस्ट ये रमज़ान है मैं पोस्ट करूँगा, फिर उसके बाद फिर मैं वापस आया जाऊँगा, फिर मैं आपको मिलूँगा फिर उसके बाद। सो यस बाय। हाँ बिफोर यू एंड लाइक ये वीडियो में, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरा प्रैक्टिकल भी है अगले हफ्ते, इट्स ऑन 4, 6 and 8, तो उसमें मैं आपको मिलूंगा, उसमें प्रैक्टिकल भी से तैयार करूँगा। नाम आ गया है, मैं थोड़ा फ्रेश फ्रेश हो गया हूँ, अभी रोज़ा खुलने वाला है एंड आई गेस आज मैं शायद अकेले करूँगा फ्राई, क्योंकि मम्मी की तबियत खराब है, मम्मी शायद करी है पापा मम्मी ने तुम सॉरी। तो बस मैं अभी वहाँ पर टी वी खुला हुआ है, बस जैसे ही होगा तो मैं हर क्वेश्चन पर बना के खा के एंड देन आई एम गोइंग टू डूइंग माय बेड व्हिच इज़ गोइंग टू बी कंप्लीटिंग फिजिक्स, या फिर मैं पहले ब्लॉग एडिट कर दूँगा उसको सोलह में टेन में उसको कम्प्लीट कर पाऊँगा। आई डोंट नो देखता हूँ मैं क्या करना है, बट यस मैं बस अब आपको विक कर रखूँगा एंड फिर ब्लॉग अंदर चुका। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जैसे एंड तक देखा है अगर मैं लव यू, लव यू सो मच, और जो जो मैं ब्लॉग सारे देखते हैं तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। एंड या आज ब्लॉग यहाँ एंड करते हैं, मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड वॉन्ट टू सब्सक्राइब।